आज अगर आमीन हो जाए तो ये आशीष आपकी है। हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लाइफ में जितना मर्जी डीप क्यों ना चले गए हो, आप कितना मर्जी डाउन क्यों ना चले गए हो, वो कर्जा कितने भी लाखों का क्यों ना हो, अगर आज हमने राइट डिसीजन लिया कि हम परमेश्वर के पीछे जाएंगे, मैं फिर बोल रहा हूं हम परमेश्वर के पीछे या किसी धर्म के पीछे, उसने ये नहीं कहा क्रिश्चियन धर्म, उसने कहा मेरे पीछे। किसके पीछे? उसने कहा मेरे पीछे। आप खाली क्यों ना हो, शैतान ने कितनी बड़ी गेम आपके साथ क्यों ना खेली हो, आप कितने भी डाउन क्यों ना चले गए हो, कितने भी कर्जे में क्यों ना चले गए हो, मैं यीशु मसीह के नाम में उसका दास सोने के नाते डिक्लेयर करता हूं, आप भरने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा तो यह आशीष आपके आप भरने वाले, मैंने कहा। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। आप विश्वास करते हैं इन वचनों के ऊपर कि सब कुछ निर्भर करता है इस बात के ऊपर कि आप परमेश्वर से मेल मिलाप करते हैं या नहीं, या अभी भी आप बोलते हैं कि मैं पेंटिकोस्टल हूं, कोई बोलता है मैं कैथोलिक हूं, कोई बोलता है मैं इस धर्म से हूं, कोई बोलता है मैं इस धर्म से हूं, या अभी भी आप इन्हीं का पीछा करना चाहते हैं, या आप ये समझ गए हैं कि मुझे परमेश्वर का पीछा करना है, मुझे वचनों को सुनना है, मुझे बाइबल जो परमेश्वर ने किसी धर्म या जाति के लिए नहीं मेरे लिए लिखी है, मैंने उस पर यकीन करना है, मैंने परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना है। कैसे होता है मेल मिलाप? अपने गुनाहों को क्षमा मांग के, बपतिस्मा लेके, अपनी जिंदगी परमेश्वर के सामने समर्पित करके, संडे प्रभु के घर में आके, उसके वचनों के अनुसार चल के आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करते हैं। बाइबल कहती है वो खाली लोटी, सब कुछ गवा के लोटी, उसकी उस नू ने, उस बहू ने फैसला किया कि मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। वो भी वापिस जा सकती थी, क्योंकि उसको क्या फायदा होगा बूढ़ी सास के साथ जाने के? कोई फायदा नहीं। बूढ़ी सास का पेट पालना पड़ेगा, अपना भी पेट पालना पड़ेगा, सारी उम्र कुंवारी रहना पड़ेगा, जवानी में विधवा रहना पड़ेगा। कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन बाइबल कहती वो जानती थी कि जिस देश में वापिस मेरी जेठानी चली गई है, उस देश में मुझे पति तो मिल जाएगा, आशीष तो मिल जाएगी, लेकिन वहां परमेश्वर यहोवा की आराधना करना नसीब नहीं होगा। इसलिए मैं परमेश्वर की आराधना करना चुनती हूं, चाहे मुझे दुखों का सामना करना पड़े। और वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, जब उसके चेले बोले परमेश्वर हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो गए, बड़ी फड़ मारी चेहरों ने कि सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो गए, हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने कहा एक भी ऐसा नहीं जिसने मेरे लिए घर को छोड़ दिया हो और 100 गुना ना पाए, मेरे लिए बच्चों को छोड़ दिया हो 100 गुना ना पाए, खेतों को छोड़ दिया, बिजनेस को छोड़ दिया हो, कैरियर को छोड़ दिया और 100 गुना ना पाए, एक भी जन यहां पे ऐसा नहीं, उसने कहा। इसका मतलब क्या कि जब नयोमी ने यह सोचा कि मैं अपनी बहुओं को वापस भेज दूं, एक बहू चली गई और एक कहती नहीं तेरे साथ जाऊंगी, और बाइबल कहती रूत ने फैसला किया साथ ना जाने, साथ उस जिठानी के साथ ना जाने का और अपनी सास के साथ रहने का। अगर आप फैसला करते हैं दुखों में भी परमेश्वर की आराधना को चुनने का, आप फैसला करते हैं दुखों में भी वापिस पैर ना मोड़ने का, तो बाइबल कहती बोझ उसके लिए तैयार था। एक धनी आदमी, एक धर्मी आदमी, एक आशीषित आदमी रूत को ग्रहण करने के लिए तैयार था। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्लेयर करता हूं उसका दास होने के नाते, एक ब्लेसिंग का रास्ता आप लोगों के लिए खुलने वाला है आज। मैं डिक्लेयर करता हूं एक चंगाई का रास्ता खुलने वाला है आप लोगों के लिए आज। मैं घोषणा करता हूं डिवाइन हेल्पर्स का रास्ता खुलने वाला है आपके लिए आज। अगर आमीन हो चाहे तो यह आशीष आपके ही। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आप बिलीव करते हैं इन वचनों के ऊपर, आप जितना परमेश्वर को देंगे आपका फायदा होगा, आप उसको बीट नहीं कर सकते। आप जितना विश्वास दिखाएंगे, जितना प्रेम खुदावंद को देंगे, आप उतनी डिलीवरेंस अपनी लाइफ में देखेंगे। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो परमेश्वर के साथ आपका MOU साइन नहीं हुआ, आपने कोई ठेका साइन नहीं किया कि वो आपको आशीषित करता ही रहेगा। जब आप धरती पे आए थे तो आप परमेश्वर से एग्रीमेंट करके नहीं आए थे कि वो आपको धरती पे सब कुछ देगा जो आपको चाहिए होगा। उसने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। वो आपको क्यों दे? अगर नहीं देगा तो कौन सा उस पर केस कर दोगे तुम? इसलिए उसने भजन संहिता में लिखा, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा,
मैं उसको बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार को दिखाऊंगा। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। उसने कहा उसने जो मुझसे प्यार किया, उसने जो मुझको रिश्वत दी ऐसा नहीं लिखा, बहुत सारा पैसा दिया ऐसा नहीं लिखा। उसने कहा उसने जो मुझसे प्यार किया है, मुझसे लव किया है, मैं उसको छुड़ाऊंगा। अगर आप छूटे नहीं तो प्यार की कमी है। नियोमी ने प्यार दिखाया, परमेश्वर को वापिस गई, परमेश्वर ने प्यार देखा और उसे छुड़ाया। जब उसने प्यार नहीं दिखाया और अपने आप को देखा कि मेरे बच्चे ना मर जाएं, मेरे हस्बैंड को कुछ ना हो जाए, हस्बैंड कहता मेरी वाइफ को कुछ ना हो जाए, और वहां से चले गए, तो जो शैतान कह रहा था कि इन्हें कुछ हो ना जाए, उन्हीं को कुछ हुआ। शैतान कुछ नहीं दे सकता। जब वो डरा के वापिस लेके जाते हैं, उन्हीं चीजों को खत्म करते हैं। बाइबल कहती है वो घात करने, नष्ट करने आया, और यीशु मसीह जीवन देने आए, वो हतायत का जीवन देने आए। वो हमेशा चुराता है, वो घात करता है और नष्ट करता है। उसने चुराया शैतान ने नियोमी की जिंदगी से, उसका पति, उसके बेटे, घात किया, नष्ट किया उसकी जिंदगी को। और नियोमी ने फैसला किया मैं फिर से बैतलहम को जाऊंगी, वापिस जाऊंगी परमेश्वर की प्रेजेंस में, वापिस घुटने टेकूंगी, वापिस परमेश्वर से बोलूंगी खुदावंद मेरी जिंदगी को फिर से बना सकते हैं। आप कितने भी डाउन क्यों ना चले गए हो, कितने भी दूर क्यों ना चले गए हो, आज आपकी वापसी हो रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आप देखते हैं ज्यादातर जो आत्मिक स्टार्स हैं, जो आत्मा में स्टार लोग हैं, वो पाप में गिर जाते हैं, और जो लोग नहीं गिरते वो आगे बढ़ जाते हैं। और गिरने के बाद जब बेइज्जती आती, जब मुसीबतें आती, जब मुश्किलें आती, उनको मालूम होता है कि ये शैतान की योजना थी, इसलिए उसने मुझे गिराया। क्योंकि शैतान उन लोगों को गिराने का ज्यादा इच्छुक है जिनके लाइफ में परमेश्वर की कोई योजना है। हालेलुया। आपको कभी हैरानी नहीं होती क्यों हर टाइम वो आपको बोलता है चल सिगरेट पी, चलो चलो सुट्टा, ओ सिगरेट पी रहा, ओ तेरी तो देख लिया, दिल कर रहा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों? या व्यभिचार करने के लिए, या पैसे की, ये इस चीज की, क्यों? उसे मालूम है, वो रोशनी देख चुका है, उसे मालूम है आप कौन है, उसे मालूम है आपकी लाइफ से क्या होगा। इसीलिए बाइबल कहती है जब राजा ने देखा इसराइलियों को तो वो डर गया, कहता ये इतने ज्यादा हो गए, कहते हाँ, कहते इनको दबाओ, ज्यादा मजदूरी करो, ज्यादा मजदूरी की उन्होंने दुहाई दी, परमेश्वर ने मूसा को भेज दिया, मूसा कहता छोड़ दे इनको, कहते अच्छा छोड़ दो, अच्छा तिगनी कर दो मजदूरी। शैतान जैसे उनके ऊपर लाइट को देखता है, उनको दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाइबल कहती जैसे जैसे शैतान इसराइलियों को दबाता गया, वो और बढ़ते गए। आपको मालूम होगा कि क्यों शैतान आपके पीछे पड़ा है, वो क्यों आपको गिराना चाहते हैं। वो चाहे पाप के जरिए हो, डराने के जरिए हो, धमकियों के जरिए हो, क्योंकि वो रोशनी देख चुके हैं, वो ये चाहता है कि आप रिजेक्टेड रहें,